अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरजाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जर्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल है, 50 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम खोपरा है, 1 पाव चमचम है। अब हम इसका जर्दा बना रहे हैं। 1 जग इसमें पानी डाल ली हूँ, इसमें कम से कम 1.5 जग पानी डालूंगी। 1 किलो चावल है, ये देखें आधा जग और डाल दूँगी। जब चावल उबल जाएंगे, इसमें 2 कनकी कच्चे रह जाएंगे, उतार देंगे। ये देखें 25 मिनट हो गए, चावल अच्छी तरीके से उबल के तैयार हो चुके हैं। ये देखें हम इसको है ना उतार रहे हैं, इसका पानी निकाल देंगे। मेरे पास ये घी रखा है, पाव घी, इसमें मैं पाव घी डाल रही हूँ। अभी घी गर्म हो जाएगा, इसमें इलायची डालूंगी। देखिए मैं 4 इलायची डाल रही हूँ इसमें। अभी इलायची अच्छी देर इसमें जो कड़कने लग जाएगी ना, इसमें मैं चावल डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिया, अभी सारे चावल डाल दूंगी। मैं 1 प्याला इसमें चीनी डाल रही हूँ, ये 1 किलो है ना, इसमें मैं 2 प्याले चीनी डालूंगी। अभी चीनी को मैं इसमें तेल लगा दिया ना, इसके ऊपर जो चावल बाकी रह गई वो डालूंगी। चीनी है ना, अब चीनी के साथ साथ इसको मैं मिला रही हूँ। जब ये चीनी इसकी पिघल जाएगी, इसको फिर मैं दम पे लगा दूंगी। ये देखें इसमें जब ये चीनी है ना पिघल जाएगी ना, फिर इसके बाद इसको जो चीनी का पानी निकलेगा ना, फिर इसके बाद इसको दम लगाऊंगी। ये देखें अच्छी तरीके इसमें चीनी पिघल चुकी है, अब इसको मैं दम पे लगाऊंगी। क्या कलर है, ये हरा मैंने डाल पीला है। हाँ ये देखें मैं इस पे बादाम लगा रही हूँ। थोड़ा सा खोपड़ा मैंने रख लिया, खोपड़ा को भी इसमें बाद में मैं बादाम भी लगाती हूँ। अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया, दम पे हो चुका है, अब इसको मैं उतार रही हूँ। ये देखें इसको मैं पलट रही हूँ। अच्छी तरीके से सारे चावल बिल्कुल पक चुके हैं, पकते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखें इसमें चमचम डाल देंगे, चमचम डाल के इसको मैं 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी, उतार दूंगी। ये देखें मैं 2 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ, फिर इसको फिर निकालती हूँ। ये देखें 2 मिनट हो गए, मैंने इसको उतार लिया, हम इसको मैं निकाल दूंगी। चावल देखें जर्दा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस पर मैं ये देखें खोपरा वगैरह लगा रही हूँ। पहले मैंने अंदर भी डाला है, ऊपर से सजावट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जर्दा बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है।